आपको नहीं लगता कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था? इस संबंध में, इस स्थिति में जब तिवारी जी नहीं रहे तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन निस्संदेह तिवारी जी में वो सब अद्भुत क्षमताएं और गुण थी जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए, और कांग्रेस के तमाम ऐसे लोग हैं। आप उनके साथी थे, बहुत करीबी थे, जी हाँ, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं साथ बन में पाएगा? मुख्यमंत्री रहे, चाहो तो उनकी बाइक ले लो, तो एक वाक्य है, हम लोगों ने सभी सुना लहर तक चावल छूही, बताया। एक वाक्य है, सभी लहर तक छूही जावें, यह है नहीं जरूरी, कुछ प्रवाह की अपनी भी तो होती है मजबूरी, कुछ प्रवाह की अपनी व्यवस्था थी। यद्यपि कांग्रेस में तमाम ऐसे लोग हैं, क्षमता संपन्न है, सेवा संघर्ष बलिदान की पृष्ठभूमि है, लेकिन जिस मंजिल जिस गंतव्य की ओर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता। तिवारी जी के भी जीवन में शायद एक वाक्य उचित होगा, मेरी जिंदगी भी दुमंजिल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। बेहद करीब लाती है आप दोनों लोगों की मित्रता, मतलब कोई ऐसी घटना जो संस्मरण हो आप। अब ऐसी तो ये है कि मैं अपने चुनाव में था, तिवारी जी उस समय बड़े नेता थे, लेकिन तिवारी जी एक चाय के स्टॉल पर मानीराम में वहाँ बैठ करके लोगों से बात कर रहे थे, उस समय आया, उससे गले मिल गए तिवारी जी। और तिवारी जी को ये भी मैंने देखा कि तिवारी जी चप्पल और ताजकोट पहन के लाल बाग में मेरे पास आते थे, मेरी वाइफ से कहते थे अरे भाई पकौड़ी बनाओ अपन खाया जाए। तिवारी जी इतने सत्यनिष्ठ जीवन में थे कि अपने सगे भाई को जो काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, वो चाहते थे तिवारी जी उन्हें वाइस चांसलर बना देते, उन्हें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, किसी प्रकार का उन्होंने पदोन्नत नहीं दिया। उनकी पत्नी थी, अत्यंत ईमानदार थी, सुशीला जी डॉक्टर, आती थी अंदर मैं चला जाता था, और वो कहती थी तो तिवारी जी के पास तो अपना कोई मकान भी उस समय नहीं था, अपने ससुर के मकान में रहते थे, वो इतने पारदर्शी थे, लेकिन हजारों लोग ऐसे थे जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनको हर महीने में वो कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देते थे। वो ये भी कहते थे विद्यार्थियों से सबसे कि अपना प्रोफेशन छोड़ करके पूरा समय न दीजिए, जो समय भी रहे उस समय में कांग्रेस का आदर कीजिए। तिवारी जी आदर्शों की दृष्टि से अविचल थे। तिवारी जी का ये मानना था कि संप्रभुता संपन्न और सर्वशक्तिमान धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना आवश्यक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रियम्बुल में जो जो लिखित बातें हैं अधिकार के, असहमति का अधिकार, सहिष्णुता का अधिकार, उसका परिपालन होना चाहिए। तो तिवारी जी ऐसे थे, एक बार मैं चुनाव हार गया था तो तिवारी जी मुख्यमंत्री थे चौहत्तर में, तो मुझे चाहिए था जाना, तिवारी जी फौरन मेरे यहाँ चले आए। तिवारी जी की कोई डेथ हो जाती थी, तिवारी जी चले जाते थे, चिपके से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंत थे, उनको सहायता करते थे। तिवारी जी ने विपक्ष को भी मेरे सामने कई बार, मुलायम सिंह गए जो आवश्यकता पड़ने पर, मुलायम सिंह भी की भी उन्होंने हर प्रकार सहायता की। अब हर प्रकार की सहायता का अर्थ आप समझ सकते हो, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, वो भी इन को एक प्रकार से गुरु मानते थे। तो